पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है और यह विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पंजाब के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में चल रहा विवाद जल्द ही एक हफ्ते में सुलझ जाएगा। आपको बता दें, प्रताप सिंह बाजवा वही नेता हैं जिन्होंने यह दावा किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हीं की सलाह पर कांग्रेस में आए हैं, वह कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों में संपत्ति होंगे। वहीं आपको बता दें कि आलाकमान भी पंजाब चुनाव को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में विवाद को ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास कर रहा है। इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कल दिल्ली बुलाया जा सकता है। वहीं बीते दिनों खबर यह भी आई थी कि आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर की है, लेकिन सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम करने में सहजता नहीं बताते हुए इस ऑफर से इनकार कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि यह समझौता किस तरीके से होता है। जुड़े रहिए SP9 न्यूज़ से। धन्यवाद।